मसी में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और मैं अपने पूरे दिल से ख़ुदा की हज़ूरी को महसूस करते हुए आज खुदा के कलाम में से आपके लिए बोलूँगा पढ़ूँगा पहला कलमा खुदा यस्सु मसीह ने जब सलीब पर लटके हुए थे नहायत दुख की हालत में जो अल्फाज बोले सात कलमे सलीब पर बोले उनमें से जो मैं आज आपके दरमियान पेश करने वाला हूँ पहला कलमा ने प्यारे यसु ने जो बोला अब बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं मेरे अजीज़ो व खुदा यस्सु मसीह ने जिन लोगों ने उनके खिलाफ मतलब उनको दुख दिया उनको सताया उन्होंने बड़े दुख की हालत में उनको माफ़ी दी उनका दिल प्यार से मोहब्बत से तर्स से भरा हुआ था और यह खुदावन की तरफ़ से है और खुदावन ने पूरी दुनिया को माफ़ी के ज़रिए से मोहब्बत के ज़रिए से रहम और तरस के ज़रिए से अपने पास बुलाया तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ लुका तईस वापस की चौंती साहित सु ने कहा एब इन को माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले आमीन मेरे अजीज़ों जब खुदा यस्सु मसीह सलीब पर लटके हुए थे तो सलीब से जब उन्होंने निगाह की लोगों पर तो वहाँ पर बहुत सारे मजहबी लोग थे वो रोमी सिपाही थे जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को सताया दुख दिया सरदार काहिनों की साजिश की वजह से यीशु मसीह को पकड़वाया गया और पेंतुस पलातस ने जो उस वक्त का रोमी हाकिम था पलातस जानता था कि यहूदी सरदार काहिनों ने साजिश के जरिए से हसद के जरिए से यीशु मसीह को पकड़वाया तो रोमी हाकम ने कहा कि मैं इसके अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं देखता कि इसको सलीब दूं, लेकिन सरदार काहिन और वो लोग चला चला के कहते रहे इसको सलीब दे इसको सलीब दे मेरे अजीजों किताब मुकदस के मुताबिक जो लिखा हुआ था जो पेशन गुया की गई थी उन्होंने तो पूरा होना था लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह का दिल जो तरस से और प्यार से और मोहब्बत से भरा हुआ था उन्होंने पहला कलमा जो सलीब पर नहाय दुख की हालत में बोला उन सरदार काहिनों के लिए उन यहूदियों के लिए और उन रोमी सिपाहियों के लिए जो रात भर खुदावंद यस्सु मसीह को दुख देते रहे कोड़े मारे सर पर कांटों का ताज रखा ठट्ठाबाजी की उसकी दाढ़ी को नोचा गया उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए और बहुत सारे दुख उन्होंने सहे और फिर जब उस जगह पर जाना था जहां पर यीशु मसीह को सलीब देना था वो काफी ऊंचाई पे जगह थी और यीशु मसीह अपनी सलीब उठाकर बड़े दुख की हालत में कमजोर थे और दुखों की वजह से उनसे चला भी नहीं जाता था फिर भी वो अपनी सलीब उठा के चलते गए मेरे अजीज हो आज हमने उनके दुखों पे थोड़ी देर के लिए गौर करना है कि कैसे खुदा यस्सु मसीह ने इन सारे दुखों को बर्दाश्त करके फिर भी उनके दिल के अंदर से एक माफी का कलमा निकला उन्होंने बोलाया बाप इनको माफ कर ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं मेरे अजीजों क्या हम ऐसे बोल सकते हैं आज के दौर में अगर कोई हमारे खिलाफ एक भी बात करता है तो हम उसका मुकाबला करते हैं और उसको दुख देने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें खुदाम यसु मसीह की तालीम पर अमल करते हुए अपने दुश्मनों से प्यार करना है उनके लिए बरकत आनी अपने सताने वालों के लिए बरकत आनी है क्या यीशु मसीह का दिल जो प्यार से मोहब्बत से तरस से भरा हुआ है क्या उसका दिल आज हमारे दिल के अंदर धड़कता है क्या आज हम यीशु मसीह के कद के अंदाजे तक उसके हम शक्ल बनते हुए उसके बेटे बेटियां बनते हुए क्या हम आज ये बोल सकते हैं अपने सताने वालों के लिए अपने दुश्मनों के लिए अपने बहन भाइयों के लिए जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं कि अब बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते मेरे अजीज हो ये जो खुदाम यस्सु मसीह की सलीबी मौत का वाक्य है आज से काफी साल पहले का है लेकिन आज हम इन सारी बातों को याद करते हैं और देखते हैं कि क्या सबक हम हासिल करते हैं इस पहले कलमे से इस पहले कलमे से जो हम सबक हासिल करते हैं उस पर हमें गौर करने की जरूरत है एक दफा खुदा यीशु मसीह के पास खुदा यीशु मसीह के शगे पत्रस ने आकर पूछा कि अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी दफा उसको माफ करूं क्या सात दफा खुदावन यसु मसीह ने कहा कि सात नहीं बल्कि सत्तर दफा मतलब कॉन्टिन्यूस हमने माफ करना है और यही खुदावन का दिल है जो हमारे दिल के अंदर धड़कता है जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं हमारा दिल तरस से भर जाना चाहिए और जिस तरह से पत्रस ने पूछा आज हमें भी यह सवाल करने की जरूरत है खुदा यस्सु मसी से कि हम कितनी दफा अपने बहन भाइयों को माफ करें मेरे अजीज जो हिस्ट्री की बातें हैं जो माजी की बातें हैं उनको भूल कर हमने आज पे गौर करना है कि आज हमने अपनी जिंदगी को कैसे बनाना है क्योंकि अगर आज हमने अपनी जिंदगी पर अपने करदार पर गौर ना किया तो आने वाला कल हमारे लिए रसवाई लेकर आएगा परेशानियां लेकर आएगा दुख लेकर आएगा मुसीबतें लेकर आएगा तो मेरे अजीज हो जिस तरह से यस्सु मसीह ने पत्रस को कहा सात नहीं बल्कि सत्तर दफा माफ करो तो खुदा उन्हु मसीह ने बहुत दफा यहूदी लोगों को यह तालीम दी कि एक दूसरे से प्यार करो मोहब्बत करो माफ करो तो खुदम हम मसी ने प्यार और तरस से भरकर बहुत सारे लोगों को शिफा दी वो जब बीमारों को देखते थे तो उनका दिल तरस से भर जाता था प्यार से भर जाता था उन्होंने मरियम मकदलिनी को आजाद किया उन्हें माफ किया और बहुत सारे लोग उसको संसार करना चाहते थे लेकिन यस्सु ने कहा कि सबसे पहले पत्थर वो उसको मारे जिसने कभी गुनाह ना किया तो मेरे अजीजों यीशु मसीह ने उनको माफ किया और बहुत सारे लोग जिन्होंने हाथों में पत्थर पकड़े हुए थे सारे अपनी जिंदगियों पर गौर करते हुए पत्थर नीचे फेंक के चले गए और उन्होंने कोई उसको संसार नहीं की खुदम यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया जो चार दिन का मुर्दा था उनका दिल लाजर के लिए तरसता था प्यार से भरा हुआ था तरस से भरा हुआ था आज हमें भी अपने दिल को खुदा की मोहब्बत के रंग में रंगना है खुदा के तर्स को अपने अंदर लेना है और ये एक ऐसी कुवत है प्यार और मोहब्बत और तर्स की जिससे हमारी जिंदगियां नहीं बन सकती हैं हमारे ताल्लुकात और ज्यादा अच्छे और बेहतर हो सकते हैं अपने बहन भाइयों के साथ खुदावन यस्सु मसीह को उस बेवा पर तरस आया जो नाइन की बेवा का बेटा मर गया था और उसको दफनाने के लिए लेके जा रहे थे यस्सु मसीह उसको देखकर तरस से भर गया और उसने उसको भी जिंदा किया मेरे अजीज व खुदा यस्सु मसीह हमें माफी का पैगाम देते हैं खुदाम यसु मसीह हमें मोहब्बत का पैगाम देते हैं आज हम इन सारी बातों से खुदाम यसु मसीह की जिंदगी से क्या सीखते हैं मेरे अजीजों, आज हमने खुदाम यसु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए जो कि कलवरी का शहजादा है और उसका दिल प्यार से भरा हुआ है माफी से भरा हुआ है तर्स से भरा हुआ है उसके दिल को अपने लिए ले लेना है और हमें एक दूसरे को माफ करना है और अपनी जिंदगियों पे गौर करना है कि कैसे हम एक दूसरे से प्यार करके मोहब्बत से तरस से भर के एक दूसरे को माफ करना है एक दूसरे की मदद करनी है खुदा यस्सु मसी आज हमें यह सबक देता है पहले कलमे से और हमने एक दूसरे को माफ करके यस्सु के दिल में अपनी जगह बनानी है मेरे अजीजों हमारा दिल हसद से और नफरत से भरा ना रहे बल्कि हसद और नफरत की जगह पे गुस्से की जगह पे रहम तर्स प्यार मोहब्बत होनी चाहिए ताकि हम यस्सु के शगिर्द बने और खुदा बाप के बेटे और बेटियां बने हम उसको ऐ बाप कह के पुकारते हैं जब हम उसको ऐ बाप कहके पुकारते हैं तो क्या हम पर वाजिब नहीं है कि जैसा हमारा बाप है हम भी वैसे ही बने जैसे हमारे बाप का करदार है प्यार से भरा हुआ तर्स से भरा हुआ हमारा भी आज करदार वैसा ही होना चाहिए आज जबकि हम रोजों में से यस्सु मसीह के दुखों में से दुखों को याद करते हुए इस लैंड सीजन में से गुजर रहे हैं मेरे अजीज हम यस्सु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें आए अपने बहन भाइयों को माफ करें और इस ईस्टर के मौके पे उन्हें अपने गले से लगा लें माफ करें एक दूसरे को जब हम माफ़ करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से हम आज़ाद हो जाते हैं बहुत सारी बीमारियों से हम आज़ाद हो जाते हैं मेरे अजीज और बहुत सारे लोग ना माफ़ करने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं ब्लड प्रेशर का इसी तरह से और तरह तरह की बीमारियों का उनके जहन में सुकून नहीं रहता आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें जब आप किसी को माफ करेंगे तो आपके दिल के अंदर एक हैर सुकून और तसली आ जाएगी और फिर आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी और फिर आप खुदा के शगिर्द बनते हुए यीशु मसीह के शगिर्द बनते हुए खुदा बाप के बेटे बेटियां बनते हुए अपने लिए एक ऐसी जगह कोई तलाश करें एक ऐसी जगह अपने लिए तैयार करें जहां हमने अपनी अबियत को गुजारना है हमने जन्नत में खुदा के दिल में अपनी जगह बनानी है और आप जानते हैं कि इंसान की रूह कभी नहीं मरती उसने एक दिन इस जगह से इस दुनिया से ट्रांसफर होके किसी और जगह पे जाना है अगर तो हमारी खुदा नस्सु मसीह के साथ वो बस्तगी है हम आहंगी है आपस में और हमारा रिश्ता है उसके साथ एक गहरा और हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं और हमारे दिल के तख पर यीशु राज करता है तो फिर जरूर है कि हम उसके पास जाएं और इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि जब हम मोहब्बत से चलते हुए एक दूसरे को माफ करते हुए आसमान पर अपने लिए घर तैयार करें आपने इस दुनिया में रह के आसमान पे अपने लिए घर बनाना है और मोहब्बत के रद्दे लगा के और मोहब्बत के पलस्तर से अपने घर को तामीर करना है मेरे अजीजो हमें इस बात को आज सोचना है बहुत साल गुजर गए बहुत सारे सालों से हम इन कलमों पे गौर करते आए हैं लेकिन आज और इस दफा हम अपनी जिंदगी खुदा के सपुर्द कर दें उसके हाथों में दे दें और अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें खुदा मुदाप सबको दे, कर मसीह के नाम में अमीन